अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ एफ़ी, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से हैं, खुशपाश हैं। वेलकम कहती हूँ मैं आपको वीक 14 डे 69 के वर्ड ऑफ द डे में। और आज का वर्ड है हेलुसिनेशन। हेलुसिनेशन कहते हैं वहम को, और वहम छोटा वहम नहीं, बहुत ज़्यादा बड़ा वहम। आपने एक वर्ड पढ़ा था सुपरस्टिशन, तो ये उससे रिलेटेड एक वर्ड है। हेलुसिनेशन में किसी भी एक तरह का मर्ज़ होता है, एक तरह का एक डिज़ीज़ होती है, जिसमें लोगों को वाकई उनका माइंड कुछ ऐसे भूत या कुछ ऐसी चीज़ें इमेजेस दिखाता है जो रियल में एग्जिस्ट नहीं करते रियलिटी में, लेकिन उनका माइंड उनको दिखाता है। जो इंसान उसको एक्सपीरियंस कर रहा होता है, हेलुसिनेट कर रहा होता है, हेलुसिनेशंस जिनको हो रही होते हैं, उनको लगता है ये रियल में हो रहा है, वाकई उनको उस पर कोई शक नहीं होता। ठीक है, तो ये पूरी एक डिज़ीज़ है जो ट्रीटेबल है। अच्छा, हेलुसिनेशन के बारे में एक फैक्ट आपको बताना चाहूँगी। अगर इंसान कई रातों तक मतलब रेगुलरली जागता रहे, कभी ऐसा एक्सपीरियंस हो, तो उसको साइंस कहती है कि हेलुसिनेशन होने शुरू हो जाते हैं। मतलब नींद पूरी ना होने की वजह से अगर बहुत रातों तक वो जागता रहे कोई, तो हेलुसिनेशन आते हैं। ठीक है, मतलब उसको अजीब गरीब चीज़ें दिखने लगती हैं अपने इर्द गिर्द। तो इल्यूजन्स का वर्ड है इंग्लिश में, उर्दू में वहम का वर्ड है, वहम शदीद तरीन वाला वहम, हेलुसिनेशन। तो इसका सेंटेंस क्या होगा, शी इज़ सफरिंग फ्राम हॉरिफिक हेलुसिनेशन सिंस हर चाइल्डहुड, यानी अपने बचपन से वो बहुत ज़्यादा शदीद खौफनाक किस्म के हेलुसिनेशन का शिकार है। तो आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं कभी आपने एक्सपीरियंस किया हेलुसिनेशन को अपनी लाइफ के किसी भी स्टेज में। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हेलुसिनेशन को अपने सेंटेंस में ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। ऑल द बेस्ट, अल्लाह हाफिज़।